हाउ टू गेट अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। यहां पे मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूं, द थिंग यू रेजिस्ट परसिस्ट, द थिंग यू रेजिस्ट परसिस्ट। आप अगर बैड हैबिट्स को रेजिस्ट करोगे, मैं ये ना करूं, मैं वीडियो ना देखूं, मैं ये ना करूं, तो वो और परसिस्ट करेंगे आपके लिए। तो उसका सिंपल तरीका रहता है, डेवलप न्यू गुड हैबिट्स। आप नया, इसका एग्जांपल बताता हूं, सपोज आप कभी पार्क में से जाते हैं और एक पगडंडी से बन जाती है, राइट, वो हैबिट बन गई आपकी। अब जैसे आप जाते हैं वहां पर, कभी कुत्ता काट रहा है, कभी सांप जा रहा है, तो डेंजरस है वहां से जाना, बट हम क्या करें जी, उस रास्ते से कैसे छूटें, नया रास्ता बनाओ। जैसे आप नया रास्ता बना लेते हैं और जिस रास्ते में आप नहीं चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो रास्ता क्या होता है, खंडर होना शुरू हो जाता है, वापस से घास उगाएगी वहां पे, राइट। तो आप उसको, अगर उसके लिए टाइम ही नहीं हुआ आपके पास, आप नई हैबिट्स अगर डेवलप कर लेंगे, अच्छी हैबिट्स, तो आपके पास टाइम नहीं होगा, तो अपने आप डाइड आउट हो जाएगी ओल्ड हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स जिसको आप मारना चाहते हो। सो फॉर, तो नई हैबिट्स को जन्म दो, नई हैबिट्स डेवलप करें, एंड फॉर दैट यू नीड अ कोच, बिकॉज आई पर्सनली फील इफ यू आर लिविंग योर लाइफ विदाउट अ पर्सनल कोच, यू विल लिव एन एवरेज लाइफ। आई यूज टू डू लाइक दिस, मैंने रियलाइज कर लिया है कि एक पर्सनल कोच अगर मुझे कहीं मेंटोर मिल जाए, गाइड मिल जाए, जो वेस्टेड इंटरेस्ट रखे, इनफैक्ट अब्रॉड में तो मुझे किसी ने बताया, इट्स अ ट्रेंड नाउ, people who want to excel in their life, they always hire a personal coach first. It's a trend. मेरे एक friend है, he's CA, वो RBL में long time back, he was a CFO. उस समय उनका package around 80-85 लाख रुपए का था, और मुझे उनने बताया कि उनके ऊपर कंपनी ने लाख रुपए महीने का एक कोच हायर किया हो, जो हर हफ्ते सिर्फ एक घंटा उनसे बात करता है। Company is paying 1 lakh rupees to that person to coach a CFO. Who is getting paid more than 80 lakh? जो पूरा बैंक संभाल रहे हैं, आप सोचिए। Because rule क्या है, आप दुनिया को कोच कर सकते हो, दुनिया को लीड कर सकते हो, खुद को लीड नहीं कर सकते, ये रूल है। खुद को कभी भी आप लीड नहीं कर पाएंगे, आपको कोई ना कोई कोच या गुरु या मेंटर चाहिए होगा, पर आप सरेंडर करें, जो वो कहते हैं उसको माने, एंड आप देखिए आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होनी शुरू होती है। एवरी सक्सेसफुल प्लेयर, प्रोफेशनल प्लेयर, दे फर्स्ट हायर अ कोच and then they start practicing, yes or no? तो साइना नेहवाल की पिक्चर भी आपने देखी होगी, जो बैडमिंटन प्लेयर है, कि उसके जो पहले वाला कोच थोड़ा उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो उसकी मदर और वो पहले एक नया कोच ढूंढता है बैंगलोर में, और उसके बाद एक्सीडेंट जब होता है, उसके बाद उसके पास प्रैक्टिस शुरू होती है। तो क्या आपका लाइफ में कोई कोच है, या आप खुद ही अपनी लाइफ जी रहे हो? The best part of this community, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप उनसे कनेक्ट करें, either they will be a coach themselves or they will connect you with a coach, and there you will get a free counseling sessions. That's the best part of this community. We help each other. एक दूसरे को हम help करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, and we grow together in this platform.